नमस्कार दोस्तों, सीजी पकवान में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे पीतल का एक बर्तन लिया है जो फूट गया है, देख सकते हैं आप, ये टूट गया है। देखिए पानी इसमें ढेर सारा टपक रहा है। आज हम इसी को ही रिपेयर करने वाले हैं घर पर ही कम खर्च में। तो चलिए फिर इसे हम रिपेयर कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर एमसील लिया है, ये आसानी से दुकान में मिल जाता है फ्रेंड। ये 10 रुपये का मिलता है। इसमें दो, इसमें इस तरीके से है, एक काला वाला है और एक सफ़ेद है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। और इसमें आप प्लास्टिक है या फिर एल्युमिनियम है, स्टील है, इन सारे चीज़ों को, लोहे की है, उस सारे चीज़ों को आप इससे चिपका सकते हैं। ये बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं टिपकेगा और आसानी से ये चिपक जाता है। आप इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं अपने बर्तनों को, जैसे टूट फूट गया है उसको। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितना यूज़ करना है उतना हिस्सा आपको निकाल लेना, बाकी के हिस्से को हम इस तरीके से अच्छे से पैक करके इसको रख देते हैं। और इसको हम हाथ से अच्छे से मसलते हुए दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए एक काला है और एक सफ़ेद है, इसको सो हाथ में रख कर इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गई है। अब चलिए जहाँ पे हमारा बर्तन जो टूटा है ना, फूटा है, वहीं पे हम इसको चिपका देंगे। बर्तन को अच्छे से पोंछ लेना है, पानी वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। और यहाँ पे देखिए हाथ से हम इस तरीके से फैला देंगे। अब इसको अच्छे से इसमें चिपका देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमें चिपका लेना है। देखिए इस तरीके से अच्छे से हमें दबाते हुए, प्रेस करते हुए हम इसको चिपका देते हैं उंगली की मदद से। अब इसके बाद पीछे के साइड में अगर अच्छे से मजबूती चाहते हैं तो पीछे के साइड भी आप चिपका सकते हैं। मैं पीछे के साइड भी चिपका देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, अब इसको हम सूखने के लिए रख देंगे। चिपकाने के बाद में इसको कम से कम आधा एक घंटे के लिए हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए इसको मैंने धूप में इस तरीके से रख दिया है। तो इस तरीके से हम इसे आधे घंटे या एक घंटे के लिए हम इसको अच्छे से सूखने को दे देते हैं, सूखने के लिए रख देते हैं। और इस तरीके से जब तक हमारा जो बर्तन सूख रहा है ना उसमें चिपकाया था, तो ये मेरा स्टील का गुंडी है, ये भी इस किनारे से पानी निकल रहा था तो जो मैंने मिक्स करके मिलाया था वो थोड़ा सा बच गया है। तो इसमें मैं इसमें भी मैं चिपका देती हूँ, इसमें भी अच्छे से चिपक जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे दरार है इसके ज्वाइन है ना, जो खुल गई, जो वहीं पे हम इसको लगाएंगे। देखिए इस तरीके से बाहर के साइड लगा रही हूँ मैं इसको। आप अंदर के साइड भी लप से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, मैं बाहर के साइड ही यूज़ कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से हमें लगा लेना है। और इसमें भी आप पानी जब भरेंगे ना सूखने के बाद में, तो पानी एक बूंद भी नहीं टपकेगा फैन। ऐसे आप इसे साल भर, 2 सालों तक भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये जल्दी से नहीं निकलता है। अगर निकल भी जाए ना तो आप इसे दोबारा लगा सकते हैं। लगाने के बाद इसे आप साल भर तक भी यूज़ करेंगे ना तो फिर भी ये नहीं निकलेगा जो चिपका है वो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इकट्ठा हो गया है ना, पटका गया था, तो यहीं पे हम फिर से हम लगा देते हैं। इसमें भी यहाँ थोड़ा सा पानी निकल रहा था तो इसको भी अच्छे से हम इसको लगा देते हैं इस तरीके से। देखिए अच्छे से हम यहाँ से प्रेस करते हुए हम इसे अच्छे से लगा देते। अब इसको भी हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो चिपकाने के बाद इसको भी हम सूखने के लिए रख देंगे। चलिए फिर हम जो हमने सूखने के लिए रखे थे ना बर्तन, उसमें हम देख लेते हैं कि पानी टपक रहा है कि नहीं टपक रहा है। इसको सूखने के लिए हम रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर मेरे अच्छे से सूख गया है। अब इसमें मैं पानी डाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए इस बर्तन में मैंने पानी डाल दिया है और देखिए फिर पानी इसमें एक बूंद भी नहीं टपक रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अब इसे आप यूज़ कर सकते हैं, सालों तक ही आपका जो चिपका है ना वो निकलेगा नहीं, मजबूती से चिपकता है ये। इसे आप प्लास्टिक है, एल्युमिनियम है, स्टील है, तांबे कांसे है, इस सारे चीज़ों को आप चिपका सकते हैं। लोहे के बर्तन है उसको भी आप चिपका सकते हैं। लोहे के जिस टूट पर गया वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।